Pam Ayers wrote a humorous poem called Oh, I Wish I Had Looked After My Teeth, which highlights the importance of dental hygiene. Neglecting your teeth can lead to a range of problems, such as cavities, gum disease, and even tooth loss. Tooth decay is caused by the buildup of plaque on teeth, which creates a breeding ground for bacteria that can attack the enamel. Inadequate brushing and flossing, along with poor dietary habits, increase the likelihood of plaque buildup. Furthermore, gum disease can lead to more severe dental problems and other health issues, such as heart disease and diabetes. Therefore, it is essential to take care of your teeth and gums from an early age. To maintain good dental hygiene, you should brush twice a day with fluoride toothpaste, floss regularly, maintain a healthy diet, and visit the dentist regularly for cleanings and checkups. Taking care of your teeth can help you avoid the pain, discomfort, and expensive dental problems, and it can also improve your overall health and well-being. So, don't wait until it's too late, start looking after your teeth today. Okay, people, we will today do one of the poems that is there for English. तो इसमें भाई साहब एक कहावत है, हिंदी में भी बोलते हैं और बंगाली में भी बोलते हैं इसको, कि दांत रहते दांत का महत्व किसी को समझ में नहीं आता. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इट. यहाँ पे एक पोएम है, एक फनी सा पोएम है, जहाँ पे जो राइटर है, ठीक है, उन्होंने बोला कि मतलब उनका दांत था कुछ और दांत का उन्होंने प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया. जब मतलब रोज़ ब्रश करके सोना था या रोज़ उसका टेक केयर करना था, ये नहीं किया और फाइनली दांत में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ा. ठीक है, सो दैट हैपन्स. द पोएम ओ विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ इज द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ पैम आयर्स. ठीक है, पैम आयर्स जनरली यूज टू राइट फनी पोएम्स. It was voted as one of the top 10 poems of BBC poll called Nation's 100 Favorite Comic Poems. So this is basically more or less a comic poem, a comic poem type ka hai. ठीक है, okay. तो फटाफट से देख लेते हैं हम इसको, इसके stanzas, इसके explanations और poetic devices जो use हुए हैं. ठीक है, Oh I wish I looked after my teeth. तो यहाँ पे poet बोल रहा है कि Oh I wish I had looked after my teeth. तो कोई पछतावा से शुरू हो रहा है. ठीक है, अरे काश मैंने अपने teeth को properly देखभाल किया होता. And spotted the dangers beneath. ठीक है, और मैं जो कंजम्पशन कर रहा हूँ इससे क्या डेंजर्स हो रहे हैं ये शायद मेरे को पहले ही स्पॉट कर लेना चाहिए था. डेंजर्स बीनीथ. ठीक है, एंड द टॉफीज आई च्यूड. तो जो टॉफी भाई साहब चबा रहा था मैं. ठीक है, एंड द स्वीट स्टिकी फूड. स्वीट से प्रॉब्लम क्या होता है, स्वीट से प्रॉब्लम क्या होता है टूथ को? हाँ, क्या स्वीट जो होता है उसमें से एसिड्स रिलीज होते हैं और ये जो एसिड्स होते हैं ये टूथ के एनामल को डीके करते हैं. ये एक्चुअली आपका टूथ है और टूथ के ऊपर होता है एनामल, और एनामल जो होता है, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी. ये बोन से भी हार्ड होता है. ठीक है, एनामल इज़ वेरी टफ. लेकिन ये जो हम स्वीट चबाते हैं, ठीक है, इससे हमारे मुँह का जो ये pH लेवल है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक में धीरे 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 इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है. ठीक है, इट गेट्स डिकम्पोज. Okay, so the toffees I chewed and the sweet sticky food, oh I wish I had looked after my teeth. तो जब भाई साहब मुझे खाना था तो मैंने सोचा नहीं. ठीक है, तो मैंने कोई सोचा ही नहीं कि कैसे फूड को कंज्यूम करना है या हाउ टू कंज्यूम फूड. आई जस्ट केप्ट ऑन च्यूइंग ऑल दोज यू नो स्टिकी फूड्स, ऑल दोज स्वीट फूड्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. सो द पोएम बिगिंस इन द पोएम एज द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मतलब अपने आप से बात कर रहा है. ठीक है, अपने आप से बात कर रही है. The poet persona says she wished she had looked after her teeth. If she had just looked after them and not had those toffees and sweet sticky things, there might not have been any danger lurking beneath the dental layers. तो dental layers के नीचे जो danger है वो पनपता कब है? जब आप बहुत सारा sweet खाते हैं. ठीक है, so इससे दांतों में कीड़े लगते हैं, दांतें सड़ने चालू हो जाते हैं. तो ये सब तमाम चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो She is wishing, oh wish, I wish that I would have not consumed that much of sweet or sticky food. ठीक है, The poet persona says here that she wishes. तो यहाँ पे भाई साहब आपका poem में क्या बोला जा रहा है?
आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग. विलिंग मतलब थोड़ा सा मैंने अगर स्ट्रॉन्ग विलिंग फोर्स दिखाया होता. व्हेन आई हैड मोर टू देयर देन फिलिंग, ठीक है. तो मतलब फिलिंग मतलब खाना हो, ठीक है. इसमें मैंने थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस दिखाया होता. इन सारे फूड्स को मैंने बोला होता, ना बोला होता, काश, ठीक है. सो आई विश आई हैड दैट मच मोर विलिंग व्हेन आई हैड मोर टूथ देन फिलिंग टू गिव अप गॉबस्टॉपर्स. गॉबस्टॉपर्स देखो एक तरह के ऐसे यू नो स्वीट्स होते हैं, गोल गोल टाइप के. यूरोपियन कंट्रीज में बहुत चलते हैं, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्वीट होता है इसमें, गॉबस्टॉपर्स बोलते हैं. फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स, ठीक है, एंड टू बाय समथिंग एल्स विद मी शिलिंग. फॉर मतलब चॉपर्स मतलब क्या होता है, जब आप देखते हो वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं हम, तो काश मैंने ये चॉप्ड वेजिटेबल्स खाए होते, या काश मैंने कुछ ऐसा खाया होता ये गॉबस्टॉपर्स वगैरह मैंने ना ठूसे होते, ठीक है. और मैंने अपने पैसों का अच्छा यूज़ किया होता. शिलिंग मतलब होता है यहाँ पे पैसा, ठीक है. काश मैंने अपने पैसों को इधर इन सब चीज़ों को खरीदने में बर्बाद ना किया होता, ठीक है. सो द पोएट पर्सोना सेज हियर दैट शी विशेस शी वेयर मोर विलिंग टू गिव अप गॉबस्टॉपर्स एंड बाय समथिंग एल्स विद हर अलाउंस देन व्हेन शी हैड स्टिल मोर टीथ देन फिलिंग, ठीक है. फिलिंग मतलब भाई सब भरे जा रहे हैं. नाउ दैट हर टीथ आर ऑलमोस्ट फिल्ड आर्टिफिशियली शी रियलाइजेज हर मिस्टेक. आज की तारीख में उसके टीथ को फिल किया गया है आर्टिफिशियली. कैविटीज हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल फिलर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके पूरा टीथ अभी सड़ चुका है और वहाँ पे भाई साहब आर्टिफिशियल फिलर्स डालना पड़ रहा है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. ओके, व्हेन आई थिंक ऑफ लॉलीज आई लिक्ड, ठीक है. लॉलीज मतलब लॉलीपॉप्स, ठीक है. एंड द लिक्वारिस ऑल सॉर्ट्स आई पिक. तो भाई साहब जहाँ जहाँ पे भी अपने लिक्वारिस एक टाइप का स्वीट प्लांट होता है, ठीक है. एंड शरबत डैब्स मतलब टॉफी होते हैं जिसमें शरबत का टेस्ट होता है. जैसे आपने शरबत पिया रहेगा, रसना वगैरह अगर पिया रहेगा, रूह अफजा वगैरह पिया रहेगा, उसमें शरबत का टेस्ट आता है. डैब्स मतलब टॉफी की तरह ही होते हैं ये, ठीक है. द शरबत डैब्स बिग एंड लिटिल एंड दैट हैड पीनट बिटल, ठीक है. एंड ऑल दैट पीनट बिटल, पीनट चबाना, शरबत डैब्स चबाना, ये सारे भी भर भर के, वैसे लॉलीपॉप चबाना, इसमें भर भर के स्वीट्स रहते हैं, ठीक है. माई कॉन्साइन गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, ठीक है. आज मुझे रियलाइज हो रहा है भाई साहब, ठीक है, कि क्या कर रहा मैंने अपने टूथ के साथ, क्या ही कर डाला. वेन एवर द पोएट पर्सोना नाउ थिंग्स ऑफ ऑल द लॉलीज लिक्विरिसेस शरबत डैब्स एंड हार्ट पीनट्स शी वॉज यूज टू हैविंग इन हर चाइल्डहुड. तो ये सब भाई साहब उसने जम के खाया है. हर कॉन्साइंस इज कीनली प्रिक्ड. आज उसको रियलाइज हो रहा है क्या ही गलती बड़ी मैंने की थी, ठीक है. इतनी बड़ी गलती की और आज देखो इतना बड़ा मुझे भुगतना पड़ा है. नाउ दैट शी नोज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दोज ट्रांसग्रेशंस शी फील्स गिल्टी. आज ये गिल्टी फील कर रही है, ठीक है. ओके, माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड इफ यू हैव गॉट अ टूथ यू हैव गॉट अ फ्रेंड. तो माई मदर यूज टू टेल मी, जब तक भाई साहब तुमको दांत है तब तक तुमको ऐसा समझ लो कि कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है. आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, माई टूथ ब्रश वॉज हेयरलेस, आई हैड नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, ठीक है. मतलब मैंने ज़्यादा टूथ ब्रशिंग में अपना टाइम स्पेंड नहीं किया. दो बार रोज ब्रश करना पड़ता है लेकिन मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है. इन दिस स्टैंजा द नैरेटर एडमिट्स दैट हर मदर ऑलवेज वॉर्न्ड हर अबाउट डेंटल केयर. तो उसकी माँ जो है तो हर बार इसको डेंटल केयर के बारे में वार्निंग देती रहती थी, भाई साहब अपने टूथ का ध्यान रखो. शी रिमेंबर्स हाउ हर मदर यूज टू से दैट अ टूथ वॉज लाइक अ फ्रेंड, हैंस स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ देम, ठीक है. तो इनको भाई साहब स्पेशली केयर करना पड़ेगा. बट द नैरेटर वॉज यंग देन एंड केयरलेस, ये केयरलेस था भाई साहब. द टूथ ब्रश शी वॉज यूज वॉज सो ओल्ड दैट इट हैड बिकम हेयरलेस, ठीक है. मतलब इतना ओल्ड हो चुका था कि वो हेयरलेस हो चुका था, उसमें कुछ टूथ का ब्रश बाकी ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पड़ी नहीं थी, अरे हो गया, ठीक है. दैट इज ब्रिसललेस, ठीक है. इसमें कोई भी भाई साहब ब्रिसल्स नहीं थे, ठीक है. शी हैड हार्डली स्पेंड टाइम ऑन टेकिंग केयर ऑफ हर टीथ. मतलब अभी अगर आप कोई चीज़ रेगुलरली यूज कर रहे होगे और वो ख़राब हो चुका होगा तो आप उसको रिप्लेस करोगे, लेकिन इन्होंने रेगुलरली टूथब्रश को यूज़ ही नहीं किया. टूथब्रश ब्रिसललेस हो गया है फिर भी उसको यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली ब्रश नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है. सो दिस इज हर कंडीशन नाउ. ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट और ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिंग एंड फसिंग, वेल आई इट डिडंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाइट. तो ये भाई साहब बचपन में कैसे टूथब्रश को लेने का, पेस्ट लगाने का और उसको मतलब चूसते रहने का किसी लॉलीपॉप की तरह, है ना, उससे ब्रश नहीं करने का, ठीक है, उसको चूसते रहने का. शी सेज दैट शी वॉज कम्प्लीटली नेग्लेक्टफुल एंड दैट शी डिड यूज टूथपेस्ट टू ब्रश अर टीथ एवरी नाइट. तो मानने के लिए मानना है कि भाई साहब ब्रश करना है, लेकिन हर
रात को वो ब्रश करने के टाइम पे क्या करती थी, ब्रश में वो टूथपेस्ट लगाती थी और उसको बस मुंह में लगाकर उसका टेस्ट देती रहती थी, ठीक है, ओके. बट शी डिड नॉट मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ प्रॉपरली क्लीनिंग आउट द स्पेसेस बिटवीन द टू टीथ, ठीक है. शी हार्डली मेड यूज ऑफ वेरिंग मेथड्स ऑफ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग. तो इसने कोई भी वैसा मेथड्स यूज नहीं किया, इधर ब्रशिंग का और फ्लॉसिंग का. शी एडमिट्स दैट एट दैट टाइम इट डिडंट सीम वर्थ द टाइम एंड एनर्जी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर एज लॉन्ग एज शी कुड बाइट हर टीथ वेर डीम्ड फाइन. तो उसके हिसाब से जब तक वो भाई साहब खाना वाना चबा सकती है तब तक सब ठीक है, ठीक है. उसको ये मालूम ही नहीं था कि अंदर ही अंदर कैसे उसका डीके होता जा रहा है एंड शी इज गोइंग टू लूज हर टीथ, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स लाइक ब्रशिंग ऑफ टीथ, टेकिंग प्रॉपर केयर वेर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड बाई हर. If I had known, I was paving the way to cavities, caps and decay. तो अगर मुझे मालूम होता कि मैं जो कर रही हूँ उससे cavities बढ़ेंगे, caps बढ़ेंगे, decay बढ़ेगा, to the murder of fillings, ठीक है. Fillings भाई साहब मेरे ख़राब होंगे, ठीक है. Injections and drillings, और मुझे दांतों में injection लगेगा, drillings होगा. Drillings मतलब operation होता है जब दांतों का, ठीक है. तो drill करके operation करना पड़ता है, ठीक है. Injections and drillings. I would have thrown all me sharbat away. तो सारा जितना भी मैंने ठूंचा था ये सब मैंने फेंक दिया होता, मैंने ग्रहण नहीं किया होता, ठीक है. Here she regretfully says that if she had known that she was paving the way for decay, cavities, false caps of teeth, or that she had to endure the pain of artificial fillings, injections, and various drilling machines to cover up the cavities. And or to replace the decayed parts, she would have thrown all her sharbat threads away. तो उसने भाई साहब सब फेंक दिया होता, ठीक है. So I lie in the old dentist's chair and I gaze up his nose in despair and his drill is to do wine in these molars of mine, ठीक है. तो अभी भाई साहब मैं डेंटिस्ट के चेयर पे बैठा हूँ, बैठी हूँ, ठीक है. और डेंटिस्ट भाई साहब अभी मेरे मोलर्स में ऑपरेशन करने वाला है, ठीक है. ओके. So I lie in the old dentist's chair and I gaze up his nose in despair and his drill is to do wine in these molars of mine. Two amalgam, he will say, for in there. Amalgam मतलब एक tablet होता है. In this stanza that we get to know that the narrator was at the dentist while she was reminiscing about the childhood transgressions regarding her teeth. तो ये सारा poem जो है उसने तब सोचा है जब वो dentist के पास थी, ठीक है. और डेंटिस्ट के पास थी और उसने सोचा कि भाई अगर चाइल्डहुड में मैंने अपने टीथ का सही सही प्रॉपर केयर लिया हुआ था तो आज ये नौबत नहीं आती, ठीक है. एंड शी गेजेस अप एट द डेंटिस्ट नोज हु वाज स्टैंडिंग ओवर हर. शी हियर्स द वाइन ऑफ द ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट ही हैड इन हिज हैंड्स. ग्रर जो आवाज होता है ड्रिलिंग का, ठीक है. तो वो वैसा अभी ये मेरे दांतों पर चलने वाला है, ठीक है. दैट इज व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. शी वाज देयर टू गेट द कैविटीज इन हर मोलर्स फिल्ड. वहाँ पे आई थी अपने कैविटीज को फिल कराने के लिए, ठीक है, मोलर्स में. द डेंटिस्ट कन्फर्म दैट शी नीड्स टू एमलगम, मतलब दो फिलिंग्स की जरूरत है उसको, ठीक है, टू कवर अप द होल्स एंड स्पेसेस दैट हैव एक्चुअली हैपेंड अप इन अ टीथ, ठीक है. ये होल्स और स्पेसेस जो है इनको कवर करने के लिए ये जरूरत पड़ेगी. ओके. ओ हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ एज दे फोम्ड इन द वॉटर्स बीनीथ. तो एक टाइम था जब मैं अपनी मम्मी के टीथ पे हंसती थी, ठीक है. मतलब फॉल्स टीथ देखा होगा आपने, जिसको खोल के रखते हैं, ठीक है. और फिर उसको मतलब तो मम्मी के फॉल्स टीथ पे मैं एक टाइम पे हंसती थी. एज दे फोम्ड इन द वॉटर्स बीनीथ बट नाउ कम्स द रेकनिंग इट्स मी दे आर बेकनिंग ओह आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माय टीथ. और ऐसा लग रहा है कि आज ये फॉल्स टीथ मुझे ही बुला रहे हैं, आओ बेटा आओ अब तुम्हारी बारी है, ठीक है. तुमने तो अपने दांतों का केयर लिया नहीं है, ठीक है. सो दे आर बेकनिंग. बेकनिंग मतलब मुझे बुला रहे हैं. जिन अपनी माँ के ही फॉल्स टीथ पे एक टाइम पे मैं हंसता था, ठीक है, और आज लगता है ये मुझे बुला रहे हैं, ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम आ गया है, ठीक है. As she sits there awaiting the drill, she remembers shamefully how she used to laugh at her mother's false dentures. ठीक है, dentures पे false dentures मतलब false teeth पे ये हंसती थी. इसके माँ की false teeth पे ये हंसती थी. ठीक है, how she used to laugh at her mother's false dentures and the foam when she used to clean them. ठीक है, sorry. तो जब ये clean करती थी तो उसपे वो हंसती थी. ठीक है. But now she regrets her youthful mistake because it is her turn to sit, awaiting drills like awaiting judgment. She realizes that soon she too will need false dentures. इसका भी भाई साहब टाइम आ गया है और इसको भी डेंचर्स लगाने पड़ेंगे. The poem ends here on the same note as it began.
दैट हाउ शी विश्ड शी हैड लुक्ड आफ्टर हर टी। तो जिस लाइन से शुरुआत हुई थी उसी लाइन से भाई साहब एंडिंग होती है पोएम की। इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? नहीं, रेपिटेशन इसको नहीं बोलते। अगर आप जिस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं लगभग उसी लाइन को फिर से एक बार कर रहे हैं तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज रिफ्रेन। इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे रिफ्रेन। ओके, राइमिंग स्कीम अगर हम देखेंगे पोएम का क्या है भाई साहब? ए ए बी बी ए, ठीक है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टैंजास, ईच कंटेनिंग 5 लाइंस। 8 स्टैंजा है और 5 लाइंस है, और राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी ए, ठीक है। कोई भी इसको उठा के देख लो। देखो इसको अगर मैंने यहाँ पे ए माना, ठीक है, अगर मैंने इसको ए माना, टी ए ए बीनीथ मैच हो रहा है, रेकनिंग बेकनिंग, ठीक है, फिर से टी, तो क्या हो गया? देखो ए ए बी बी ए, ये हो गया आपका राइमिंग स्कीम, ठीक है। हर स्टैंजा में आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, चेयर ए, डेस्पेयर ए, वाइन बी, माइन बी, अगेन देयर ए, ए ए बी बी ए, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए भाई साहब, ए ए बी बी ए, है ना भाई साहब, वे डी के, फिलिंग ड्रिलिंग, अगेन अवे, तो ए ए बी बी ए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, राइट राइट ए, नाइट ए, ब्रशिंग बी, फसिंग बी, और ये हो गया ए, ए ए बी बी ए, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी ए ए बी बी ए। एंड ए, फ्रेंड ए, केयरलेस बी, हेयरलेस बी, अगेन ए, ए ए बी बी ए, ठीक है। तो सारे स्टैंजास में आपका ये लाइट पिक, ठीक है, लिफ्ट पिक, ओके सॉरी, आपका लिटिल ब्रिटल, और अगेन ए, ए ए बी बी ए। सो दीज आर बेसिकली, ओके, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी ए। पोएटिक डिवाइसेस इज, ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माय टी, इफ आई हैड नोन आई वाज पेविंग द वे टू कैविटीज, कैप्स एंड डीके, द मर्डर ऑफ फिलिंग्स, ठीक है, इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई यहाँ पे क्या पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, आई हैव थ्रोन ऑल मी शरबत अवे, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ इमेजिनरी। इमेजिन कर रहे हैं ना, अभी तो कुछ कर नहीं सकते इस बारे में, तो बैठे बैठे डेंटिस्ट के चेयर में बैठकर ही इमेजिन कर रहे हैं। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ इमेजिनरी, द इमेजिनरी एम्प्लॉयड हियर इज ऑफ माइनिंग एंड ड्रिलिंग होल्स इन टू द ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे आपका माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है ग्राउंड में, वैसे टीथ में भी माइनिंग और ड्रिलिंग का इमेजिनरी हो रहा है। द इंजेक्शन एंड ड्रिलिंग मशीन आर लाइक द ह्यूज ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है, दैट बोर होल्स डीप इन टू द अर्थ, द कैविटीज एंड और डीके लाइक डीप विद इन द बेड ऑफ द टीथ, वेरी मच लाइक द मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ, ठीक है। द लेयर्स ऑफ अ टूथ आर कंपेयर टू द लेयर्स ऑफ द अर्थ, दिस इमेजिनरी ऑफ बोरिंग इन टू द इनसाइड्स इज इंट्रोड्यूस एज अर्ली एज द फर्स्ट स्टैंजा, वेर द पोएट रेफर्स टू द डीके एंड कैविटीज एज द डेंजर्स बीनीथ। इसको भाई साहब डेंजर्स बीनीथ में कंपेयर किया गया है, एंड कैरी टू द लास्ट स्टैंजा एज दे फॉर्म्ड द वॉटर्स बीनीथ, ठीक है। एंड हिज ड्रिल इट टू वाइन, एंड हिज ड्रिल इट टू वाइन, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे भाई साहब पर्सोनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन कैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वेयर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एक लिविंग थिंग की दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ बादल गरज रहे हैं, अरे बादल क्या गरजेंगे, वो तो नॉन लिविंग है, तो लेकिन उनमें से जो आवाज़ हो रहा है इट्स का एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम उसको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि कोई लिविंग थिंग है और वो गरज रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। हेयर द ड्रिल इज पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग थिंग एंड द साउंड मेड बाय द ड्रिलिंग मशीन इज लाइकेंड टू द वाइन ऑफ एन एनिमल और पर्सन। क्या हो रहा है वो? नहीं पढ़ने का, जेले जाओ ना यार। हाँ, साउंड मेड बाय ड्रिलिंग मशीन इज लाइक टू द वाइन ऑफ एन एनिमल और पर्सन। तो ये जो जोर से आवाज आ रही है ड्रिलिंग की, ठीक है, इट्स कंपेयर टू द वाइन ऑफ एन एनिमल और अ पर्सन, एक एनिमल या पर्सन के वाइन के साथ कंपेयर किया गया है। हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ एंड दे फॉर्म्ड इन वॉटर्स बीनीथ, बट नाउ कम्स द रेकनिंग, इट्स मी दे आर बेकनिंग, ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर माई टीथ। दिस स्टैंजा इज एन इंस्टेंस ऑफ सिम्बोलॉजी एंड इमेजिनरी, ठीक है। द स्टैंजा सिम्बलाइजेस डीके एंड फाइनली डेथ। एक्चुअली में सिर्फ यहाँ पे दांतों की बात नहीं की गई है, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जिस टाइम पे, अगर हमको यूटिलाइज ना करें
तो जो हशद होता है हमारा उसके बारे में बात की गई, ठीक है। दांत का तो एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे सिम्बोलॉजी हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली सिम्बोलॉजी, और सिम्बोलॉजी के हिसाब से जो हम जो हमारे जीवन में जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगर उनको टैप ना कर पाएँ या यूज़ ना कर पाएँ तो वो बेकार चली जाती है, और एक टाइम आएगा जब हम उसको रियलाइज करेंगे, ठीक है। एज द नरेटर सिट्स इन द चेयर अवेटिंग द डेंटिस्ट जजमेंट, सही टाइम पे नहीं सुनी थी तो अभी आपको ड्रिल कराना पड़ेगा, इंजेक्शन कराना पड़ेगा, फॉल्स डेंचर्स लगाने पड़ेंगे। द इमेजरी इज ऑफ अ कोर्ट रूम वेयर द अक्यूज अवेट्स द जजेस डिसीजन। तो जब आप कोई क्राइम करते हैं तो जिस तरह से कोर्ट रूम में जो जो मतलब मुजरिम होता है वो अपने सजा का इंतजार करता है, वैसा इमेजरी है, ठीक है। द डीके ऑफ द टीथ एंड द आर्टिफिशियल फिलिंग्स इंडिकेट द डीके ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर नॉट टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली बट ऑल्सो indicates the inevitability of death, okay, decay and the future. The imagery of awaiting judgment recalls the motive of the day of judgment and now the sins will be reckoned or tale done that day according to which one person will be judged. So, our day of judgment मतलब क्या होता है? जो हमारा last दिन होता है, ठीक है? जो हमारा last दिन होता है तो हमारे कर्मों का फल हमको मिल ही जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक दांत का take care नहीं किया सही time पे, तो आज भाई साहब यहाँ पे डेंचर्स लगाने पड़ रहे हैं, फिलिंग्स करनी पड़ रही है, ड्रिलिंग करना पड़ रहा है, तो ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, ठीक है। हाँ, क्या वाइन मतलब चिल्लाना, करके चिल्लाना मतलब जोर से, ठीक है, मतलब एक श्रिल क्राई, ठीक है। किसी का गला दबा दो तो कैसे चिल्लाएगा वो, ठीक है, किसी को मारने जा तो कैसे चिल्लाएगा, ठीक है, तो वैसा एक चिल्लाना, ठीक है, पैनिक क्राई होता है, वाइन इज बेसिकली अ पैनिक क्राई, एक पैनिक कराई, ठीक है। तो खत्म हुई गवारे, दोनों यहाँ पे बैठ के टाइम पास ही करोगे, जाओ इससे घर में जाकर पढ़ाई कर लो भाई साहब। कल सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तुम लोग नचिकेत का परसों और तुम्हारा ये कुंज कल खत्म हो जाएगा ना। Thank you.